हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट क्लास का थर्ड चैप्टर व्हाइट शिप इसके बारे में स्टडी करेंगे। व्हाइट मीन्स होता है सफ़ेद, शिप मीनिंग भेड़, तो सफ़ेद भेड़ इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो है वो है आपका ग्लिम्पस। ग्लिम्पस होती है झलक की। जो लेसन्स है उसके अंदर किस किस तरह की क्या क्या जो चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है उसकी एक ग्लिम्पस है इसके अंदर। तो फ्लॉक ऑफ शिप्स आर मोस्टली सीन इन हिली एरियाज। फ्लॉक्स होती हैं झुंड। जो शिप्स के झुंड हैं, भेड़ों के झुंड हैं, वो अक्सर दिखाई देती हैं कहाँ पे? हिली एरियाज के अंदर, पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो है भेड़ों के झुंड दिखाई देते हैं। हिली होती है पहाड़ी। दिस पोइम शोज, ये पोइम दिखाती है वेरियस एक्टिविटीज, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज ऑफ द शिप, भेड़ों की। व्हाट डू डू When the wind stops, जब wind रुकती है तो वो क्या करते हैं? And what do they do, वो क्या करते हैं? When the wind blows, जब हवा चलती है तो वो क्या करते हैं? और जब हवा रुकती है तो वो क्या करते हैं? Read it and enjoy। आओ इसको पढ़ें, इसका आनंद लें। First है white ship, white ship, white ship, white ship means सफ़ेद बेड, सफ़ेद बेड। On a blue hill, blue होता है कलर का नाम है, blue hill means होती है पहाड़ी की, एक blue कलर की पहाड़ी पर। When the wind stops, जब wind क्या करती है? रुकती है। You all stand still, still होता है फिर भी, आप क्या सारे रुक जाते हैं। When the wind blows, जब हवा बहती है। You walk away slow, धीरे धीरे चलते हैं। White ship, white ship, white ship, white ship, where do you go, आप कहाँ जाती हो? तो ये आपकी poem थी। उसके बाद में जो इसके टिक द करेक्ट हैं वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट कहता है द शिप्स आर डैश इन कलर, तो जो कलर्स क्या है, कैसा है शिप का, वो है वाइट। सेकंड, द हिल इज डैश इन कलर, हिल का कलर कैसा है? ब्लू। शिप स्टैंड स्टिल व्हेन द डैश, तो व्हेन क्या है इसके, जब हवा बहती है, यानी वाइंड ब्लोस, वाइंड ब्लोस। तो ये थी आपकी पोइम। इस पोइम को आपने अच्छी तरह से इंग्लिश टू इंग्लिश रीडिंग करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।